शहीद स्मारक स्थल पर इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि जो शहीद कमल किशोर की याद में रियासी में स्मारक बनाया जा रहा था, उसका काम अब मुकम्मल हो गया है और शहीद स्मारक बनकर तैयार हो गया है। अब अगले कुछ दिनों में इसका ऑफिशियली उद्घाटन किया जाएगा। पिछले कुछ महीनों से इस स्मारक का काम चल रहा था, अब फाइनली जो इसका काम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगले कुछ दिनों में इसका उद्घाटन किया जाएगा और ये स्मारक डॉक्टर शहीद और ये स्मारक शहीद कमल किशोर, जो जवान कश्मीर में शहीद हुए थे 2018 में, उन्होंने शहादत पाई थी, उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया है। और इस स्मारक को जोगराज मैंगी द्वारा बनाया गया है, उन्होंने काफ़ी लोगों से इसके लिए सहयोग लिया है, काफ़ी लोगों की मदद से इस स्मारक को बनाया गया है। प्रशासन का भी इसमें सहयोग रहा है। क्या प्रशासन का सहयोग है और किन और लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, वो सब हम योगराज मैंगी जी से ही जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जोगराज मैंगी जी समाज सेवक रहे हैं, पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं और समाज सेवा करते रहते हैं और काफ़ी चर्चाओं में भी रहते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में भी उन्हें प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया था और उनके द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा की आर्थिक मदद से इस स्मारक को बनाने का कार्य किया गया है। और आपको बता दें कि अभी तस्वीर में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये जोगराज मैंगी जी हैं। और खास बात ये है कि ये भी जिस तरह कोई मजदूर कोई मिस्त्री इस स्मारक के कार्य में लगा हुआ था, ये भी पूरा दिन इस स्मारक के कार्य में लगे रहते थे और अपनी सेवाएं, अपना जो योगदान है आर्थिक रूप से भी और फिजिकली भी इस स्मारक को बनाने में उन्होंने दिया है। बुजुर्ग हैं लेकिन उनकी जो हिम्मत है, जो एक जज्बा है, शहीद कमल किशोर की याद में एक जो सपना उन्होंने देखा था इस स्मारक को बनाने का, वो कहीं ना कहीं अब पूरा हुआ है और ये स्मारक बनकर तैयार हुआ है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा एक बार फिर आपको इस स्मारक के दृश्य दिखाए। इस स्मारक में लिखा हुआ है शहीद स्मारक कमल किशोर, 6th बटालियन IRP, डेट ऑफ बर्थ 1/4/1988 और डेट ऑफ जो डेथ है, यानी कि जिस दिन उन्होंने शहादत पाई थी, वो दिन था 17/10/2018 का। कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन्होंने शहादत पाई थी और रियासी के जवान, रियासी के ग्रामोड में रहने वाले कमल किशोर को शहादत नसीब हुई थी। अमर वीर शहीद कमल किशोर आतंकियों से लोहा ले रहे थे और इसी दौरान उन्होंने शहादत पाई थी। तो आइए आगे चलते हैं और जोगराज मैंगी जी से बात करने की कोशिश करेंगे। वो इस समय इस स्मारक में जो छोटा मोटा काम रह गया है उसको अंजाम दे रहे हैं, हालांकि जो बाकी का काम है वो पूरी तरह से पूरा हो चुका है। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। जोगराज जी, आप काम में लगे हैं लेकिन हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जब आपने कमल किशोर जी की शहादत की आपको जानकारी मिली, तो मन में क्या भाव थे आपके, क्या फीलिंग्स थी, क्या सोचा आपने उस समय, क्या आया आपके मन में? मेरे साथ कुछ नौजवानों ने बात की, उन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट से बड़ी कोशिश की कि शहीद कमल किशोर का एक स्मारक बनाया जाए, परंतु सरकार ने ऐसे कहकर इनकार कर दिया कि भाई खर्चा बहुत आता है, इतना खर्चा हम कर नहीं सकते। और रात को ही मुझे नींद नहीं आई, मैं प्लानिंग करता रहा कैसे कैसे इस स्मारक को तैयार करना है। सबसे पहले मैं सुबह उठकर अमित पंडो के घर गया, उनसे मैंने लोहे के लिए बात की, उन्होंने कहा जितनी लोहा होगा मतलब काफ़ी हद तक मैं करूँगा उसका। अमित पंडो जी थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कहाँ रहते हैं, कौन कौन
अमित पुंडो जो है वो अपने बाबा लाल जी की मंदिर के पास रहते हैं, ठेकेदार है एक क्लास, और बहुत दानी है, काम समाज सेवा करने वाले हैं। उनसे हमने अपील की तो उन्होंने कहा, उन्होंने काफी हद तक समझो 25-30 हजार रुपए से ज्यादा भी कभी उन्होंने लोहा दिया, स्टील दिया। उसके पश्चात अपने अजीत शर्मा, वो भी एक रस कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने लगभग कोई 50 हजार के लगभग मतलब के लोहा दिया और बाकी सामान दिया, उन्होंने कुछ कैश भी दिया, 30 हजार के लगभग कैश दिया उन्होंने। बहुत लोग ऐसे मतलब अपने अपने विजय कौशल जी हैं, उन्होंने वाचस्पति जी को 25 हजार रुपया लोहे के लिए दिया, वाचस्पति जी ने 3 टिप्पर जो है बजरी के दिए, काफी लोगों ने, कुलदीप राव पंडो जी ने पैसे दिए, राम जी ने पैसे दिए, विक्रांत मैंगी उसने पैसे दिए, मेरे भाई साहब बिशन दास मैंगी उन्होंने पैसे दिए, मेरी बहन ने पैसे दिए, मेरी बेटी ने पैसे दिए, मतलब हमारे मेरे दोस्तों ने पैसे दिए, लगभग 8 लाख के लगभग जो है, 8-8.5 लाख के लगभग इस पर खर्च हुआ है। अपने कालिदास जी हैं, कालिदास शर्मा, उन्होंने जो स्टील की शटरिंग है सारी की सारी स्टील की शटरिंग फ्री दी इन्होंने, उसका खर्चा कम से कम भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो 70-80 हजार रुपये आता है। उसके बाद अपने प्लेटें जो हैं अजीत जी ने दी, शटरिंग प्रीतम ने दी। हम चाहते हैं थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाए तो अपने 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 अश्विनी शर्मा हैं जो 13 नंबर बाढ़ से, उन्होंने बांस शटरिंग वगैरह वगैरह सारी उन्होंने दी। मतलब कहने का जे कि मैक्सिमम काम जो है वो लोगों ने दिया, उसके पश्चात ही ये कार्य संपन्न हुआ। लगभग 2 लाख रुपया मेरे हाथ से खर्च हुआ है, वो भी समझोगे 1-1.25 लाख जो है अपने परिवार से आया है, और बाकी पर जो है पैसे जो है वो बाकी समाज ने दिए। 60 हजार के लगभग वाचस्पति जी को पैसे दिए गए थे सीमेंट के लिए, और उनके बाद और पैसे इकट्ठे हुए थे 10 हजार अपने, 10 हजार रुपया अपने उपेंद्र जी हैं उन्होंने दिए थे, अपने 25 हजार विजय कौशल जी ने दिया था, और बाकी लोगों ने भी मतलब 60 हजार मतलब वहाँ पर दिए थे जो उसमें उनसे लोहा लिया और सीमेंट लिया। इस तरह लोगों ने अपने रतन जी इलेक्टर हैं, ये सारी लाइट फिटिंग जो है सभी उन्होंने फ्री की है, तो काफ़ी लोग लगे हुए हैं, मजदूर भाई लगे हुए, बड़े खुश रहते हैं मजदूर, हम उनको भोजन भी खुद करवाते हैं, पैसे पूरे देते हैं, ओवर टाइम लगता है तब भी पैसे देते हैं। तो आज वो ऐसा दिन आ रहा है कि हम मुझे एक इंस्पायरेशन हुई कि यार हमारा कमल किशोर जो है इतना बहादुर शेर, उसने बड़े काउंटर किए हुए हैं, बड़े मिलिटेंटों को मारा हुआ है, उसका स्मारक बनना ही चाहिए, इसलिए मन में प्रेरणा हुई और दूसरे दिन ही काम शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से सब काम कंप्लीट हुआ है, कल हमारा काम 8 तारीख को ही शुरू हुआ था, 8 को ही खत्म हो गया, बाई चांस मुझे ध्यान भी नहीं था। कितने महीने हो गए लगभग? तीन महीने का लगभग हो गया, और मैं सोचता हूँ कि बड़ी स्पीड से काम होगा, 2 महीने तो कम से कम शटरिंग के लग जाते हैं, 1 महीना पहली शटरिंग को, दूसरी को 2 महीने शटरिंग को, और इतना कोशिश की गई दिन रात काम करके। सुबह आते थे, मैं घर से ही रोटी बनाकर लाता था, और दोपहर को यहाँ पर रोटी खाता, बाकी मजदूरों को यहाँ पर रोटी खिलाता, मैं खुद यहाँ पर घर की लाई हुई रोटी खाता। आप भी हम देखते थे लगातार, आप भी काम करते रहते थे क्या मजदूरों के साथ, मिस्त्रियों के साथ आप भी यहाँ पे काम करते थे? ऐसे है कि मजदूर जो है मैं उनको अपने बच्चों जैसा समझता हूँ, थक जाते हैं बेचारे तो मैं भी उनके साथ लग जाता हूँ, यार मैं करता हूँ थोड़ी हेल्प, और वो जब मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ वो फिर मैं कहते हैं छोड़ो बाबू जी आप छोड़ो, हम खुद करेंगे, वो लग पड़ते थे, उनके अंदर एक इंस्पायरेशन हो जाती थी मैं अगर करता था। मतलब मेरी भी एक आदत है कि मैं भी मजदूरों के साथ लगा रहता हूँ, और एक मेरी भगवान की तरफ से भाई बरती मेरी आदत है कि गरीबों की सेवा करना, उनके परिवारों के जो अनपढ़ बच्चे हैं उनको उनकी पढ़ाई के लिए खर्च करना, किसी का मकान नहीं है उसको हेल्प करनी मकान बनाने के लिए, कोई भूखा है उसको रोटी खिलानी। अभी कोरोना में सीला गांव में 11 बार उन्होंने राशन दिया, एक ही गांव अडॉप्ट किया था, 11 बार उसको राशन दिया, चावल दाल तेल
नमक हल्दी आदि दिया। तो कहने का मतलब यह है कि अपना भगवान ने ऐसा ही बनाया हुआ है कि समाज में काम ही लगे रहे, और ऐसा है, ऐसी सोच है कि देश समाज, क्योंकि मैं जो समझता हूँ कि अपने धर्म से भगवान से ऊपर पहले देश है। देश है तो सब देवी देवता है, मंदिर है सब, यहाँ पर देश ही सुरक्षित नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी प्रायोरिटी जो है देश के लिए, सबसे पहले देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, और इसीलिए मैं देश के लिए ही इन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान होता है वो दिया था। तो आपको लगा कि उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि जहाँ शहादत तो उन्होंने पा ली, अब समाज उनके लिए क्या कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं, क्या यही विचार आपको विचलित कर रहा था जिसके बाद आपने ये? बिल्कुल, मुझे ये विचार बहुत विचलित कर रहा। मुझे लोगों ने, कई लोगों ने कहा जी उनको लाखों रुपया मिलता है तो क्या जरूरत है। मैंने कहा हम उनके परिवार के लिए नहीं बना रहे हैं, हम तो अपने देश नौजवानों के लिए बना रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए बना रहे हैं, कि जो सोचे कि मरना सबको है, लेकिन ये कमल किशोर जी शहीद हो गया है, ये रहती दुनिया का अमर रहेगा। और यही प्रेरणा मैं अपने नौजवानों को देना चाहता हूँ कि देश के लिए बलिदान होना अमर है, वो आदमी मरता कभी नहीं है, जिंदा रहता है। इसलिए समाज के अंदर इंस्पायरेशन हो, इसके लिए मेरे अंदर प्रेरणा आई कि ये बनना ही चाहिए, इसलिए मैंने इसके काम को हाथ में लिया। तो अब क्या पूर्ण रूप से काम खत्म हो गया या छोटा मोटा काम अभी बचा हुआ है? लगभग थोड़े थोड़े जो हमने शटरिंग की थी उसके नीचे छोटे छोटे गड्ढे बने हुए, अभी हमने उसको फिल किया है, और कल तक जो है ये लगभग पूरे छठ हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, और उसके बाद ऐसी सोच है कि लगभग 12-1 के बाद हम इसको रूट को खोल देंगे इसको, और भगवान की कृपा से उसके बाद हम सोच रहे हैं कि 10-12-15 दिन के बाद एक भव्य कार्यक्रम उनके माता पिता को बुलाकर उनके मन में भी एक प्रसन्नता हो कि भाई हमारे बच्चे की शहादत हुई है, उसकी यादगार बन गई है, उनको बुलाएंगे, बड़े बड़े अफसर, पुलिस के अफसर बुलाएंगे, कोशिश करेंगे DC मैडम को भी बुलाया जाए, सारे अफसर आएंगे, आर्मी के अफसर आएंगे, पिछली बार भी अपने आर्मी के कर्नल आए थे यहाँ पर जब हमने भूमि पूजन किया था, इस बार भी कोशिश करेंगे आने की, और एक समाज को एक संदेश देंगे कि ये जो काम है जो इसने कमल किशोर ने किया है, हम सबको ही छाती तान का आगे निकलना चाहिए। जे समाज में बहुत गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, जो बहुत बड़ी उनकी भी सेवा है, अगर हम मिलिट्री में नहीं जा सकते तो कहाँ समाज की सेवा, जो गरीब हैं, कुचले हैं, अनपढ़ हैं, अपाहिज हैं, उन लोगों की सेवा कीजिए, ये भी एक बहुत बड़ी देश की सेवा है। और कमल किशोर के लिए तो हम नतमस्तक होते हैं कि उसने एक सर्वोच्च बलिदान हमारे इलाके में दिया, बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन उसके लिए मैडम ने बोला भी है कि जो जिन जहाँ जहाँ पर जिन लोगों का बलिदान हुआ है, रियासी जिले में सैकड़ों लोग हैं, और उन्होंने कहा कि हम उसके स्कूल में या उनके गांव में जा एक चौराहे का नाम रखेंगे या उनके स्कूल में उनका स्टैचू लगवाएंगे, कुछ करेंगे। और मैं मैडम से मैं विनती करता हूँ कि जो आपने कहा है उसको पूरा करें, ताकि लोगों को स्कूलों में बच्चों को इंस्पायरेशन हो, पर देश के लिए जो बलिदान हुआ है उसका नाम सुनहरी लक्ष्यों में लिखा जाता है, और जरती दुनिया समाज उसको याद करता है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने जोगराज मैंगी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनके मन में आया और उन्होंने लोगों से सहयोग लिया, जिससे भी बात की, और उन्होंने मदद के लिए कहा तो उन्होंने, उन तमाम लोगों ने इनकी मदद की, और जिसके कारण ये जो शहीद स्मारक है वो आज बन पाया है। यानी कि ये घर से निकले थे और कारवां यूं ही चलता रहा, जिस कारण आज रियासी में शहीद कमल किशोर के नाम पे ये स्मारक बनाया गया है। कल जो यहाँ ये रोड है ये भी खोल दिया जाएगा, अभी आपको बता देंगे। ये छोटे छोटे गड्ढे यहाँ पे शटरिंग लगाने के कारण बने हुए थे, इनको भी भर दिया गया है, ये सूखने पर कल इस तरफ के रोड को भी खोल दिया जाएगा। हालांकि आज जो है दूसरी तरफ से ही वाहन जा रहे हैं, लेकिन कल दोनों तरफ से वाहन जाएंगे, और आने वाले कुछ दिनों में ऑफिशियली एक कार्यक्रम कर जिसमें आर्मी के ऑफिसर भी होंगे और तमाम जो सिविल विभाग हैं उनके ऑफिसर भी होंगे और समाज के लोग भी होंगे, और एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसके बाद ऑफिशियली इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो फिलहाल खबर यही है कि जो शहीद स्मारक अमर वीर शहीद कमल किशोर की याद में मनाया जा रहा था, उसका काम मुकम्मल हो गया है, और अब कल से दोनों तरफ की जो सड़क है वो खुल जाएगी। फिलहाल एक तरफ से ही वाहन जा रहे हैं, और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में ऑफिशियली कार्यक्रम करके इस स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।